हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ईडीसी के जो भी क्वेश्चंस आ चुका है ना पीएसयूज और आईएएस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली हर एक पीएसयू में ही रिपीट होता है, तो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो पहला पॉइंट है, जो फोटो डायोड होता है वो रिवर्स बायस में काम करता है और जो टनल डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है। सेकेंड पॉइंट, डीजेनरेट का मतलब क्या होता है? हैवली डोप्ड, इसलिए टनल डायोड जो है वो डीजेनरेट पी और एन मटेरियल्स होता है। शॉटकी डायोड का रिवर्स टाइम बहुत कम होता है एंड इट इज नियरली जीरो। शॉटकी डायोड को हम हॉट कैरियर डायोड भी बोलते हैं, यह भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है पीएसयू में। वैरेक्टर डायोड वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर होता है। ये वैरेक्टर डायोड को ट्यूनिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वैक्टर डायोड में इस कैपेसिटेंस वैरी करता है, फिर इसके अक्रॉस फिर वोल्टेज चेंज होता है, तो हम इसे ट्यूनिंग की तरह यूज कर सकते हैं। बीजेटी का टर्न ऑफ टाइम 70 नैनो सेकेंड होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूवी रेस को अगर हमें रेडिएट करना है तो एलईडी में हम क्या यूज करेंगे? जिंक सल्फाइड। मॉस्फेट कैन बी यूज एज वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर की तरह हम मॉस्फेट को यूज कर सकते हैं। टनल डायोड फॉरवर्ड बायस होता है और एवलांचे फोटो डायोड रिवर्स बायस होता है। जनरली द गेन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी पे कम हो जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरनल कैपेसिटेंस ऑफ द डिवाइस। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है पीएसयूज में और आईएएस के एग्जाम में। थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर का जो यूनिट होता है क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट। बीजेटी सेचुरेशन कंडीशन में होता है, मॉड आईसी ग्रेटर देन मॉड आईबी ग्रेटर देन मॉड आईसी बाय बीटा, और एक्टिव में होता है आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी। रिपल फैक्टर ब्रिज रेक्टिफायर का होता है 0.482। एक ऐसा मटेरियल जिसका टेम्परेचर कॉफिशियंट जीरो होता है वो है मैंगनीन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एससीआर एक्टिव डिवाइस है और यूनिडायरेक्शनल है, वेयर एज ट्रैक जो है वो बाई डायरेक्शनल है। एटम का डायमीटर कितना होता है? 10^-10 मीटर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? 0K को बोलते हैं और -273 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलते हैं। तो उसमें जो सेमीकंडक्टर है वो किस तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह। हॉल इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड टू मेजर डिस्प्लेसमेंट टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक फ्लो, DTM याद रखिए। हेनेस सॉकले इक्वेशन है, हेनेस सॉकले एक्सपेरिमेंट क्या बताया था हमें? मोबिलिटी ऑफ माइटी कैरियर को फाइंड कैसे किया जाता है, डिटरमाइन कैसे किया जाता है। इन्हें फोटो डिटेक्टर जो SMU होता है वो ग्रेटर होना चाहिए एनर्जी बैंड गैप से। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं मेटल में तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा, क्यों? बिकॉज देर आर मोर वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। dV/dt क्या होता है जर्मेनियम का? 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे -2.3 mV/°C। पी टाइप सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे फर्मी लेवल कहाँ जाएगा? क्लोज टू वैलेंस बैंड, और एन में कंडक्शन बैंड। मोबिलिटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डोनर डेंसिटी बिकॉज डोपिंग डिक्रीजेस द रिलैक्सेशन टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है। हॉल इफेक्ट ई इज इंड्यूस्ड इन द स्पेसिमेन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड बी, ये मैंने हॉल इफेक्ट का अलग से वीडियो बना रखा है। इफेक्टिव मास ऑफ होल क्या होता है? ज्यादा होता है इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मीडियम डोपिंग किसे बोलते हैं? 1 × 10^6 जब डोपिंग करेंगे हम तो इसे मीडियम डोपिंग बोलेंगे, और हाई होता है 1 × 10^3। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो एवरेज स्पीड डिक्रीज होगा। थैंक यू।